तीन दिवसीय मंडल स्तरीय साइन लैंग्वेज ब्रेल रीडिंग एंड राइटिंग तथा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का बुधवार को समापन हो गया। समापन कार्यक्रम का जिलाधिकारी के विजयन पांडियन एवं एडी बेसिक डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशेष शिक्षकों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में एडी बेसिक डॉक्टर एसपी त्रिपाठी ने ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों से कहा कि तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि प्रशिक्षण हमारे अंदर निखार लाता है और हमारी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने सभी विशेष शिक्षकों से कहा कि आपको यह जानकारी अपने तक सीमित न रखकर बांटना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हमारे इन विशेष बच्चों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनमें हमें भगवान का दर्शन करना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें दिल से जुड़ना होगा तथा उन्हें दिल से समझना होगा, क्योंकि यह बच्चे दिल से जुड़े होते हैं तथा ऐसे बच्चों को पढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा हम सबके बीच में पुष्प है माँ सरस्वती की प्रतिमा के का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल ढंग से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से सादर अनुरोध है कि जिला समन्वय देवरिया जिला समन्वय महाराज से प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी के लिए कि सर की तबीयत नहीं ठीक थी, क्या 22 तारीख को प्रारंभ हुआ था स्पेशल एजुकेटर्स के लिए आयोजित था। सर इस तरह का कार्यक्रम पहली बार प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। तीन दिवसीय प्रशिक्षण सर पूरी तरह से आवासीय था, आज पूरा हो चुका है और हम इस अवसर पर इन सभी से इस मंडल के जितने हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं इनसे अपेक्षा करेंगे और आशा करेंगे कि ये जब भी अपने जिले में जाएं तो यहाँ से प्राप्त जितना भी कुछ लेकर के जा रहे हैं ज्ञान उसका उन बच्चों के प्रति उस कार्यक्रम के प्रति जिनको पूरे समाज का जिनके प्रति एक अलग दायित्व बनता है पूरे निष्ठा के साथ लागू करेंगे और वहाँ जाने के बाद जो है इस कार्यक्रम इस प्रशिक्षण का असर दिखेगा, हम इसे इसी आशा करते हैं उम्मीद करते हैं। समय की शिक्षा के आज यहाँ उपलब्ध हैं सर चारों जनपद के उपासक निर्धन सत्कार करें हम कैसा सत्कार करें हम कैसा आदरणीय जिला अधिकारी महोदय हम सभी की ओर से समस्त शिक्षकों की ओर से तरह से ग्रामर का यूज करना है, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक सिम्टम्स इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स के साथ किस तरह से कॉन्टेक्ट करना है, जब अप्रैल में स्कूल खुलेंगे तब स्कूल खुलने के साथ हम किस तरह से जो टीचर्स हैं बच्चों के बीच में किस तरह से वर्क करेंगे इस पर हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा भी यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट्स डिफरेंट सीआरसी से आए थे उनके द्वारा प्रस्तुति दी गई। इसी बात से हो भी गया है, मैं काफ़ी खुशी महसूस करता हूँ। देखिए ऐसे एक सेगमेंट है खासतौर पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो कैटेगरी बच्चे किसको हम अक्सर भूल जाते हैं, नहीं तो इग्नोर कर लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, ये जो इसी स्पेशल कैटेगरी बच्चे कहते हैं स्पेशल चिल्ड्रन, और इसी सेगमेंट का बड़े बड़े शहर में भी अच्छा खासा कोचिंग इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग नहीं मिलता है। तो शहर की ही हालत है, संपन्न परिवार भी उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसी घर पर किसी के स्पेशल बच्चे होते हैं तो गांव बच्चे का हालत देखिए उसको कहाँ से मौका मिलेगा, वो बस केवल जानवर के रूप से घर के अंदर बांधे रखते हैं, वो पूरा जिंदगी उनको घर के अंदर ही भटक के खत्म हो जाता है। अक्सर हम हर जगह देखा हूँ, बहुत जगह देखा हूँ, और इस पर देखिए खासतौर पे आप लोगों का रूल बहुत अहम रूल है, ताकि ब्लॉक में दो दो इग्नोरेंट टीचर है, आप किसी आईडी के होंगे, किसी हियरिंग इम्पैक्ट के होंगे, किसी मेंटल रिकॉर्डर का होगा और कोई अन्य श्रेणी के भी होंगे, एक स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी होता है ना, ये भविष्य में ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बनाया जा रहा, इसलिए बनाया जा रहा ताकि पहले से
इसी कैटेगरी के बच्चे की संख्या भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है। कहीं पोल्यूशन की वजह से, कहीं म्यूटेशन की वजह से, किसी की वजह से, पहले एवरेज में तो आर्टिस्टम को भी गुनूँ, आर्टिस्टम तो 10 साल पहले 100 का एक बच्चे होते थे, अभी 40 का एक बच्चे हो रहे हैं, और अमेरिका जैसे देश में 10 का एक बच्चे का कोई डिसेबिलिटी निकला। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज का देखेंगे, उसको प्रपोर्स बढ़ती जा रही है। इंपॉर्टेंट वजह उसका फूड में अडल्ट्रेशन है, प्रोसेस फूड की बहुत कार है, हम लोग उसी की वजह कहीं ना कहीं म्यूटेट हो रहा है। तो पहले से महिला का भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है, बहुत सारे महिला का कॉम्प्लिकेशन हो जा रहा है, किसी न किसी वजह वो बच्चे का जेनेटिक मॉडिफिकेशन आ जा रहा है, उसी की वजह वो बच्चे पूरा डेवलप नहीं हो पाता। और ऐसे चीज़ नहीं है वो साइंस नहीं पकड़ पाती, स्कैनिंग में नहीं निकल जाता है, ताकि फिजिकली बच्चे पूरा डेवलप दिखता है, तब तक ये पेट में बच्चे हैं पता ही नहीं चलता। जो माँ तो पहले 70 से ही उसको तो जांच वांच, तो आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी तो बढ़ गया, हम लोग पहले से स्कैनिंग करते हैं, 3 महीने में स्कैनिंग करते हैं, 5 महीने में करते हैं, तमाम स्कैनिंग के बाद भी बच्चे पैदा होते हैं, ताकि शरीर रूप से जो पूर्ण दिखता है, पूर्ण रहते हैं। कोई चीज़ साइंस भी नहीं पकड़ पाता है दिमाग के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जो मेंटली रिटार्डर बच्चे का तो साइंस भी नहीं पकड़ पाती है। वैसे आपका हियरिंग इम्पेयर और विजुअली इम्पेयर भी बच्चे जन्म होने के बाद ही पता चलेगा। तो दूसरे गलती क्या होता है, ये जो किसी के भी ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो माँ बाप का भरोसा रहता है चलो मेरा बच्चा सही हो जाएगा, उसी उम्मीद में वो तो इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, सेंसिटिव पीरियड कहते हैं, जो गोल्डन साल कहते हैं, उसी के उन लोग हल्के कर देते हैं। किसी बच्चे के 2 साल में 3 साल में उन लोगों के सामने आ जाता है, वो बच्चे का करेक्टिव सर्जरी हो सकता था और कोई इंटरवेंशन हो सकता था, वो बच्चे के सही कर सकते थे, बट वो बच्चे वो आते हैं हम लोग को 7 साल 8 साल 10 साल के बाद आते हैं, वो बच्चे ऐसे स्थिति में आते हैं कोई हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन भी नहीं कर सकते। उदाहरण तौर से कॉक्लियल रिप्लेसमेंट ले लीजिए, कॉक्लियल रिप्लेसमेंट यदि 5 साल के पहले हम किसी बच्चे के लगा देंगे, बच्चे का पूर्ण रूप से 100% उनका वापस ला सकते हैं तो पहले स्थिति के हिसाब से, बट 5 बज के 5 महीने भी हो जाता है वो बच्चे का फिर सफलता नहीं रहेगी। तो 5 साल जो किस बच्चे का कॉक्लियल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं ऑडियोमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से, यदि पहले आप स्क्रीन कर लेते हैं वो बच्चे का हम आराम से नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए हम कर सकते थे। गोरखपुर में हम लोग अनेक बच्चे के किए, 30-40 बच्चे का हम कॉक्लियल रिप्लेसमेंट करा चुके हैं, और इससे हम लोग को दुख होता है, तो माँ बाप को नहीं पता है साहब मुझे तो 5 साल के पहले आना है, वो आकर के 7 साल 8 साल में आ जाते हैं, उसी को जो बच्चे पूरे जिंदगी गूंगे बहरे रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे अनेक छोटी छोटी इंटरवेंशन है, केवल जानकारी ना होने की वजह रह जाता है। डिसेबिलिटी में भी देखेंगे, देखिए अभी दिमागी डिसेबिलिटी बहुत भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है, 21% ऑफ डिसेबिलिटी है, 21 तरह का डिसेबिलिटी है। आर्टिज्म तो नाम सुने होंगे, डिसलेक्सिया है, ADHD है, और गिनते जाए कितने तरह का वो डिसेबिलिटी है, वो नॉर्मल टीचर नहीं पहचान पाते हैं तो डिसेबिलिटी कैसे है। वो नॉर्मल बच्चे जैसे ही रहते हैं ताकि तो शक नहीं होता है, बट कोई बच्चे का अटेंशन नहीं दे पाते हैं, कोई बच्चे बैठ नहीं पाता है, कोई बच्चे एक ही काम में उलझा रहता है, इस थोड़ा अबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं उसको। ये भी बच्चे का हम लोग सही समय में इंटरवेंट करते हैं, मान लीजिए किसी भी बच्चे का 5 साल के पहले हम पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे, वो बच्चे के आराम से माइलस्टोन सही कराते हुए हम ला सकते हैं। इसलिए तो मेनली आपको बुलाना मकसद यही है कि केवल ये जो जानकारी आपका है वो केवल आपके लेवल से सीमित नहीं रखना है, तो सभी को बांटना है, सभी को बताना है। तो खासतौर पर गोरखपुर में हम लोग सौभाग्यशाली है, यहाँ जो सीतापुर में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ चालू किए हैं, ये भारत सरकार का केंद्र सरकार का बड़ा महकमा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक इंस्टीट्यूशन है, उसी का स्थापना होते हुए यह हुआ है। 100% फंडिंग इसको केंद्र सरकार करती है, अभी फिलहाल सीतापुर में हमने जगह दिया हूँ, यहाँ क्लासेस भी चलता है, आप भी आगे आपका नॉलेज को अपडेट करिए। यहाँ फिलहाल हम 2 कोर्स हम चालू करा रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स फिलहाल, एक तो सोशल कैरिंग का है, फिर हियरिंग इम्पैक्टमेंट का फिलहाल 2 कोर्स चल रहा है, भविष्य में 20 कोर्स चलेगी यहाँ, सभी स्पेशल टीचर्स का डिप्लोमा से लेकर मास्टर डिग्री तक हम यहाँ दिला देंगे, और आपका अवसर भी भविष्य में बहुत ज़्यादा है। के लिए भी जो गेस्ट लेक्चरर्स पिता के लिए इनका लेक्चरर दिया गया था, टीचर गोरखपुर सर बिलाई, सियासी गोरखपुर से नागेंद्र पांडे जी साहब, मिस्टर रवि कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर,
असिस्टेंट प्रोफेसर सियासी गौरवपुर, एजुकेटर देवरिया, श्री उदयराज यादव जी स्पेशल एजुकेटर गौरवपुर देवरिया, श्री दिनेश प्रसाद यादव जी स्पेशल एजुकेटर, निशान स्पेशल एजुकेटर गौरवपुर, आर के पाठक स्पेशल एजुकेटर गौरवपुर, स्पेशल एजुकेटर गौरवपुर किनर देवरिया और स्पेशल एजुकेटर ने आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए आज ये कार्यक्रम हुआ है जो समापन का समारोह है, तीन दिन पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है। खासतौर पे जो इटनरेंट टीचर कहते हैं, खासतौर पे स्पेशल बच्चे हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड यानी गूंगे बच्चे हैं, बहरे बच्चे हैं, मानसिक विकसित बच्चे हैं, ये सभी का ट्रेनिंग के लिए हम लोग का हर ब्लॉक में दो दो टीचर्स होते थे, उन्हीं लोग का तीन दिन का ट्रेनिंग था। इसमें CRC गोरखपुर भी हम लोग को साथ दिए हैं और भी एक्सपर्ट आकर के लेक्चर दिए थे। खासतौर पर ये जानकारी हम पहुँचा रहे हैं जनता के बीच में, जो बच्चे जो भी मानसिक रूप से कमज़ोर हो और कोई किसी ना वजह थोड़ा कमज़ोर हो, उसका पहले पहचान लीजिए और पहले लेके आइए। आजकल तो इतने साधन संसाधन हम लोग के पास है, यदि बच्चे के सही समय में पहचान लेंगे तो अच्छा से ठीक कर सकते हैं बच्चे का और नॉर्मल सी ज़िंदगी वो जी सकते हैं बच्चे। इसी का लेक्चर चल रहा था, मैं आपको भी आग्रह करता हूँ कहीं से भी बच्चे जो भी दिमाग से कमज़ोर लगता हो और तो देखने में लगता है तो उनका दृष्टिहीन हो, चाहे वो जो नेत्रहीन हो और किसी भी दिशा पे उन लोगों का कोई परेशानी में हो, 2 साल का अंदर वो आप कहीं ना कहीं अस्पताल में लेके आइए और बच्चे के हम सही करा पाएंगे।